हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट की रिकमेंडेशन पर जो हर सब्जेक्ट के जो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था और सबसे पहली वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बन चुकी है, जिसमें फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक जो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको बताया गया है। आज हम जो केमिस्ट्री पेपर थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हर यूनिट से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं उन यूनिट्स को। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। मैंने क्या किया है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है उनको हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इकाई फर्स्ट है या यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या है, स्पेक्ट्रोमिकी है। स्पेक्ट्रोमिकी तो इसके देखते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन है ही, उन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन। एक तो है नाभिकीय चुंबकीय स्पेक्ट्रोमिकी, इससे क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा रासायनिक विस्थापन से क्वेश्चन आता है। तीसरा है स्पिन स्पिन युग्मन एवं युग्मन स्थिरांक, ये युग्मन स्थिरांक अकेला भी पूछ लेते हैं दो नंबर के क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन और है जो इस टॉपिक में नहीं था इसलिए मुझे अलग से लिखना पड़ा, वो है क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम के बारे में। तो ये आपको एक यूनिट से चार क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं, ज़्यादातर संभावना है कि इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, एक तो नाभ की चुंबकीय स्पेक्ट्रोमिकी, रासायनिक विस्थापन को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, स्पिन स्पिन युग्मन एवं युग्मन स्थिरांक को देख लीजिएगा और क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम को देख लीजिएगा। इसके बाद अगर टाइम मिले तो एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, अगर टाइम मिले HNMR के बारे में, प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद के बारे में। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। अब यूनिट सेकेंड देखते हैं। यूनिट सेकेंड के जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक यूनिट सेकंड से एक क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा वो संभावना है, तो वो है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। आप देखेंगे कि पेपर्स में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्वेश्चन आएगा। अब या तो क्वेश्चन आ सकता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक विरंचन के बारे में या संरचना के बारे में या फिर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब इन तीन में से कोई भी आए, लेकिन आएगा किसका, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। अब देखते हैं आगे। तो यूनिट सेकंड से आपकी पहली जिम्मेदारी बन रही है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को अच्छे से कर लीजिएगा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होने के बाद आपको क्या करना है, जो एथिल एसिटोएसिड का संश्लेषण है उसकी क्लेसन संघनन विधि को पढ़ना है। क्लेसन संघनन विधि को पढ़ेंगे और उसकी कीटो इनोल चलावयता को पढ़ेंगे। तो दो चीज़ें करनी है एथिल एसिटेट में, एक तो क्लेसन संघनन को पढ़ना है और दूसरा कीटो इनोल चलावयता को पढ़ना है। जब ये दोनों हो जाएं तो इसके बाद पढ़ना है जिगलर नाटा बहुलीकरण को। तो टोटल तीन क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से, एक तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को पढ़ना है फुल डिटेल में, उसके बाद आपको एथिल एसीटेट के बारे में पढ़ना है कि उसमें क्लेसन संघनन के बारे में और कीटो इनोल चलावयता के बारे में। और जब ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा फिर इसके बाद आपको जिगलर नाटा बहुलीकरण के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई, अब यूनिट थर्ड पर चलते हैं। यूनिट थर्ड में देखते हैं फर्स्ट जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, उसमें आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा संभावना है ग्लूकोज के बारे में, लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ ग्लूकोज के और रूप है मोनोसैकेराइड को पढ़ना है, ओसोजोन विरंचन की क्रियाविधि इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है इस यूनिट का कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का अंतर रूपांतरण, कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनता है, तो इनको पढ़कर जाना है आपको। तो मोनोसैकेराइड, ओसोजोन और ग्लूकोज से फ्रक्टोज बदलना, इसको सबसे पहले, उसके बाद इन दोनों को। ठीक है, जब ये हो जाए तो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को पढ़कर जाना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और था जो इसमें नहीं था, वो था ग्लूकोज का एरिबिनोज में परिवर्तन। ग्लूकोज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपको, ध्यान रखना। तो या तो आ सकता है सीधा कि ग्लूकोज का एरिबिनोज में परिवर्तन बताइए, या फिर आ सकता है कि क्लियानी संश्लेषण को समझाइए। तो या तो क्लियानी संश्लेषण आए या ये आए, मतलब एक ही है। पार्ट सेकंड में आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें ही पढ़नी है क्योंकि ये शॉर्ट में आ जाते हैं,
सावनीकरण मान, आयोडीन मान और सांश्लेषिक अपमार्जक क्या कहलाता है। बस ये दो तीन शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो ये था यूनिट थर्ड में, आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अंतर रूपांतरण। जब ये हो जाए तो मोनोसेकेराइड ओसोजोन को देख लेना है, जब उसके बाद परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को पढ़ना है, और उसके बाद ग्लूकोज का एल्बिनोज में परिवर्तन पढ़ना है। अब इसके पार्ट सेकंड में आए तो पार्ट सेकंड में आपको सावनीकरण मान, आयोडीन मान और संश्लेषक अपमार्जक के बारे में पढ़ना है। बस यहाँ यूनिट थर्ड कम्प्लीट। अब यूनिट फोर्थ पर चलते हैं। यूनिट फोर्थ में सबसे ज्यादा संभावना है एमिनो अम्ल से क्वेश्चन आने की, तो एमिनो अम्ल को सबसे अच्छे से पढ़ना है। एमिनो अम्ल में वर्गीकरण पढ़ना है, संरचना पढ़नी है। इसके साथ में एक ए पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, संभव समविभव बिंदु, इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन पढ़ने हैं। एमिनो अम्ल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सबसे ज्यादा संभावना एमिनो अम्ल से है। इसके अलावा पेप्टाइड के बारे में पढ़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड हो या संरचना हो उसको ध्यान से पढ़ लेना, और प्रोटीन के बारे में, पेप्टाइड एवं प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। बस इसको नोट डाउन करना भूल गए कि आपको क्या पढ़ना, एमिनो अम्ल, संविभव बिंदु, पेप्टाइड और प्रोटीन के बारे में। तो ये था यूनिट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपको रंजकों का वर्गीकरण करना है। बस एक क्वेश्चन है रंजकों का वर्गीकरण। अब रंजकों के वर्गीकरण में आपको मेथिल ऑरेंज का वर्गीकरण आना चाहिए, कोगोरेट का, मेलेकाइट ग्रीन का और क्रिस्टल वायलेट का। इनमें से आप पर क्वेश्चन अगर इतना कर लेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। और यूनिट फिफ्थ और देख लेते हैं, सिंपल सी है। इसमें आपको एक क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा, इन चारों में से एक कोई ना कोई आ जाता है, या तो प्रोल आएगा, या फ्यूरेन आएगा, या थायोफिन आएगा, या प्रीडीन आएगा। एक अगर अच्छे से समझ लेंगे आप तो चारों के चारों बन जाएंगे। तो अच्छे से समझ लीजिए इसको, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक स्नेही और नाभिक स्नेही है इसको अच्छे से देख लीजिए कि चारों की सबसे प्रबल संभावना इनमें से इसी के आने की है। इसके अलावा ये अभिक्रिया आ जाती है, फिशर एंडोल संश्लेषण आ जाती है, या तो क्विनोलिन आ जाती है, क्विनोलिन स्क्रॉप विधि द्वारा समझाई, ठीक है। तो ये था यूनिट फिफ्थ, कुछ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और इन्हीं में से पेपर आ जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि पेपर आपके नज़दीक आ गए हैं तो इन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कीजिए, और जब ये हो जाए इसके बाद आपको टाइम मिले तो अन्य चीज़ें पढ़िए, क्योंकि सबसे पहले हमको अगर पढ़ना है तो स्टार वाइज दे रहे हैं, तो जैसे 5 स्टार से स्टार्ट किया तो सबसे पहले 5 स्टार कंप्लीट कीजिए, फिर 4, 3, 2, 1 ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ, आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, अच्छे से पढ़िए। Thank you so much.